जय श्री राधी, जय श्री कृष्णा। रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर इस वर्ष कुछ संशय बन रहा है। कुछ ज्योतिषों का कहना है कि 11 अगस्त को पूरे दिन भद्रा होने से इस दिन रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाकर 12 अगस्त को मनाया जाना चाहिए, जबकि कुछ ज्योतिषों का कहना है कि 11 अगस्त को भद्रा पाताल में रहेगी, इसलिए इस दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जा सकता है। इसलिए इस बार ये पर्व 11 और 12 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण द्विवेदी के अनुसार रक्षाबंधन शुभ दिन है, इसलिए इस दिन कुछ ऐसे काम जो गलत हैं नहीं करने चाहिए, नहीं तो इसका अशुभ परिणाम भुगतना पड़ सकता है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन को समर्पित है। महिलाएं पूरे साल इस दिन का इंतजार करती हैं। इस दिन किसी भी महिला को, चाहे वो परिवार की हो या कोई अन्य अथवा कोई भिक्षुक ही क्यों न हो, उसे अपशब्द न कहें। ऐसा करने से आपके पुण्य कर्म छीन हो सकते हैं। ये पर्व पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इस तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, इसलिए भूलकर भी इस दिन किसी भी तरह का कोई भी नशा न करें, नहीं तो इसका अशुभ फल आपको निकट भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। रक्षाबंधन भाई बहन के अमर प्रेम का प्रतीक है। इस दिन अगर किसी से भी कोई भी भूल हो जाए तो क्रोध न करें। क्रोध करने से पूरे त्यौहार का आनंद खराब हो सकता है, साथ ही इससे आपके इम्प्रेशन भी खराब हो सकते हैं। इसलिए इस दिन खुश रहें और दूसरों को भी खुशी देने का प्रयास करें। क्रोध भूल कर भी न करें। रक्षाबंधन के मौके पर अगर आपके घर पर कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। अपनी इच्छा व शक्ति के अनुसार उसे कुछ न कुछ जरूर दें। पूर्णिमा तिथि पर दान करने का विशेष महत्व अपने धर्म और ग्रंथों में बताया गया है। साथ ही सभी माता बहन कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे अवश्य लिखें। कमेंट बॉक्स को खाली न छोड़ें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।